काले घने अंधेरे और वीरान जैसा है ये ब्लैक होल। क्या आपने ब्लैक होल के बारे में सुना है? ये हमारे स्पेस में किस तरह से काम करता है, इन सब चीजों को जानने के लिए हेलो फ्रेंड्स, डीएनए फैक्ट्स में मैं प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं उसी ब्लैक होल के बारे में। क्या है ये ब्लैक होल और आपने कभी सोचा है कि अगर आप इस ब्लैक होल में गिर जाओगे तो क्या हो सकता है आपके साथ? आप कभी वापस आ भी पाओगे या नहीं? तो इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। अगर आसान शब्दों में ब्लैक होल की बात की जाए तो ये स्पेस की एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे फिर वो प्रकाश ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज ब्लैक होल बन सकती है। मैथमेटिकली अगर बात की जाए तो किसी भी चीज की डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा रहेगा तो उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा रहेगी। ब्लैक होल एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी और ग्रेविटी इतनी ज्यादा रहती है कि ये लाइट को भी अपनी तरफ खींच सकती है। अब हमें पता है कि लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट स्पीड में ट्रेवल करती है, तो जब लाइट जैसी चीज इससे बचकर नहीं निकल सकती तो बाकी चीजों की तो क्या ही बात की जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करके उसे ब्लैक होल बनाया जा सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम माउंट एवरेस्ट को 1 नैनोमीटर से कम कर देते हैं तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। ऐसे ही अगर अर्थ को कंप्रेस करके मटर के दाने जितना बना दिया जाए तो अर्थ भी एक ब्लैक होल बन सकता है, पर हमें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिसका साइज अर्थ से लाखों अरबों गुना ज्यादा होता है। तो अगर हम स्टार को इतना छोटा कर दें कि वो धरती के साइज में आ जाए तो वो ब्लैक होल बन सकता है। और अगर मैं आपसे कहूं कि हमें ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रह्मांड में ऑलरेडी ऐसा होता है। जी हाँ, जब एक तारे की डेथ होती है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, वो अपने अंदर ही कोलैप्स करने लगती है। उसका घनत्व यानी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है जिससे लाइट भी बचकर नहीं निकल सकती। वो छोटा पॉइंट जहाँ पर वो स्टार घटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है उसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अब सिंगुलैरिटी वर्ड तो आपने सुना ही होगा, वो बाउंड्री जिससे लाइट एस्केप नहीं कर सकती, उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि इवेंट होराइजन से लाइट बचकर निकल भी जाए पर उसके आगे निकल जाने का कोई भी चांस नहीं है। अब मेन बात ये है कि ब्लैक होल को ब्लैक होल्स क्यों कहा जाता है। ब्लैक होल्स में जो लाइट होती है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उससे लाइट बचकर निकल ही नहीं सकती तो वो आपकी आंखों तक कैसे पहुंच पाएगी। जब हम उसे देख ही नहीं पाते तो वो हमें ब्लैक ही दिखती है। ब्लैक होल समय को भी अफेक्ट करता है। उसका घनत्व इतना ज्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे अनुभव करता है। जैसे ही अगर एक स्पेसशिप इवेंट होराइजन से बचकर एक सेफ जोन में चक्कर लगा रही है तो उसके अंदर का टाइम बाहर के टाइम के मुकाबले स्लो हो जाएगा और तब टाइम ट्रैवल हो सकता है। कभी सोचा है आपने अगर आप ब्लैक होल में गिर जाओगे तो क्या होगा? उसके अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। तो इसका जवाब ये है कि जब आप ब्लैक होल में गिरने लगोगे तो आपका शरीर रबर की तरह स्ट्रेच होने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा? तो जब आप ब्लैक होल में अंदर गिरने लगोगे तो जो आपका पैर जो ब्लैक होल की तरफ है, जो ब्लैक होल से करीब है, वो ज्यादा ग्रेविटी को आकर्षण करेगा उस ऑब्जेक्ट से जो ब्लैक होल से दूर है, जैसे कि आपका सर। इसलिए आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी और जो आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं वो बिखर जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। पर डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है।
जो सबसे ज्यादा करीबी ब्लैक होल है वो हजारों वर्ष दूर है इस सौर मंडल से। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि नियरेस्ट ब्लैक होल अर्थ से कौन सा है और क्या ब्लैक होल अर्थ को निगल सकता है, तो इसका जवाब ये है कि साइजिनस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो अर्थ से 6070 प्रकाश वर्ष दूर है और उसका मास सन से 15 टाइम्स ज्यादा है, पर वो इतना दूर है कि उसका प्रभाव धरती पर पड़ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब डरने वाली कोई भी बात नहीं। जितना मजा आपको इस ब्लैक होल के बारे में सुनने में आया होगा, उससे कई ज्यादा मजा मुझे आपको इस ब्लैक होल के बारे में बताने में आया है। अब आपने हमारी लास्ट चीनी मिट्टी वाली वीडियो तो जरूर देखी होगी। अब उस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें बेहद इंतजार रहेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारी इस वीडियो पे जल्दी से जाइए और लाइक शेयर और कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल पे बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।